वेरी वेरी वार्म वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आप सभी का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल अनअकैडमी पे। लेट्स क्रैक इट। तो बच्चों अनअकैडमी पे हम लोगों ने बहुत प्रिपरेशन किया, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी तैयारी की HAL HPCL के लिए और यूट्यूब पे भी तैयारी किया। तो बच्चों आज हमारे सफ़र का आखिरी दिन है, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को कि आपका HPCL का एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा जाए। तो थोड़ी बहुत जो कमी थी उसको मैं बताने के लिए अभी HAL में थोड़ा सा फुल फॉर्म, जैसे आपसे RTPCR इसका फुल फॉर्म क्या होता है, UN का फुल फॉर्म क्या होता है, ILO का फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिसका हमें एब्रीविएशंस पता होने चाहिए। यूनेस्को का क्या होता है, ऐसा PSUs में कुछ कुछ क्वेश्चंस आता है, मैंने देखा है। तो मैं अभी आपको कम से कम 30 ऐसे ये बताता हूँ, 30 ऐसे नाम जिसके फुल फॉर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आप उसे देख लें, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में बहुत बेनिफिट होगा। एक बार आँख के सामने से गुजर जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगी एग्ज़ाम में उसको सॉल्व करने में। तो चलिए बच्चों मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ फुल फॉर्म्स है और कुछ अदर क्वेश्चंस भी हैं। तो टोटल 50 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है और मुझे बहुत यकीन है कि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर टकराएगा हमारे एग्ज़ाम में। तो मेरे साथ बने रहिए बच्चों, लॉट्स ऑफ लव और मेरा पूरा आशीर्वाद और मेरा पूरा दुआ आपके साथ है, आप लोगों के साथ है कि ऊपर वाला आपको कामयाब करे। आप लोगों ने बहुत एफर्ट दिया है, बहुत मेहनत किया है, तो बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट, क्रैक गेट एंड EAC विद इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। Get plus subscriptions and access the unlimited live and recorded courses from India's best educator. This is about me, my dear students. मैंने अपना BTech NIFFT से किया है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में। I was selected in IIT Kanpur for master's program in manufacturing engineering across India. I have taught in different cities in India and mentored more than 30K students for GATE and EAC. तो बच्चों आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप फर्दर मेरे गेट और EAC के भी लेक्चर्स को, गेट की प्रिपरेशन में भी मैं आपको बहुत हेल्प कर सकता हूं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके मुझे फॉलो ज़रूर कर लें सारे लोग, जो भी अभी कमेंट बॉक्स में आपको एक प्रोफाइल दिया होगा उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लें। तो ये मेरा प्रोफाइल है बच्चों, तो इस पर आप फॉलो करके मेरे प्लस कोर्सेज़ को भी देख सकते हैं और मेरे फ्री कोर्सेज को भी आप देख सकते हैं। तो अनअकैडमी पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्पेशल क्लासेस भी अवेलेबल हैं, प्लस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो अनअकैडमी पे बच्चों अब एक ऑडियो फैसिलिटी अनअकैडमी देता है कि जिसमें आप ऑडियो मतलब माइक ऑन करके डाउट्स पूछ सकते हैं। जैसे आप माइक ऑन करेंगे, अब आप डाउट आराम से हैंड रेज करेंगे, माइक ऑन करेंगे और डायरेक्टली डाउट आप पूछ सकते हैं। तो ऑडियो वाला पहले क्या था कि आपको लिखना पड़ता था डाउट पूछने के लिए, अब आप ऑडियो में भी डाउट पूछ सकते हैं। ये अनअकैडमी का एक बहुत अच्छा फीचर्स आया है। ओके, तो अनअकैडमी पे 2 तरह का सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है, प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान और आइकॉनिक। प्लस में है डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, क्विज़, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस। आइकॉनिक में आपको एक एडिशनल सपोर्ट मिलता है पर्सनल कोच का, पर्सनल कोच आपको 1-on-1 गाइड करता है एग्जाम्स के लिए, लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड करता है, आपके स्टडी को ट्रैक करता है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आपके मार्क्स को रिव्यू करता है, बहुत सारी चीज़ आपको सपोर्ट देता है। तो अगर आप कोड यूज़ करेंगे AYAZ10 और उसके साथ साथ अगर आप एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लेते हैं गेट के लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, बग्स बाउंटी, Bugs Bounty opportunity for all learners to report any inappropriate content in the video। अगर आपको कोई भी inappropriate content दिखता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे तो आप उसको रिपोर्ट करके एक्साइटिंग प्राइजेज जीत सकते हैं बच्चों। अनअकैडमी कॉम्बैट, अनअकैडमी कॉम्बैट इंडिया का लार्जेस्ट कॉम्पिटिशन है गेट एग्जाम्स के लिए। कोड आपको यूज़ करना AYAZ10 कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कॉम्बैट में आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 100 के बीच में आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा 100% से लेकर 25% और उस स्कॉलरशिप को बच्चों आप यूज़ करके अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। स्पेशल क्लास फीचर्स, अनअकैडमी का स्पेशल क्लास, अनअकैडमी के बहुत सारे कोर्सेज, फ्री कोर्सेज अब अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे होते हैं, जैसे इंटरेक्टिव लाइव सेशंस, पोल फॉर द लर्नर्स, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एंड एनी टाइम एनीवेयर। जैसे आप अनअकैडमी में जब भी कोई टेस्ट देंगे तो आप उसमें पोल्स के फॉर्म में देते हैं, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी होती है, पर क्वेश्चंस कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाती हैं। नेवर मिस अ क्लास, तो यू विल गेट नोटिफिकेशन, आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलेगा, हमेशा क्लास से पहले, तो आपका क्लास कभी मिस नहीं होगा। जब भी जैसे ही आप एडुकेटर्स को फॉलो कर लेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेक्चर नोट्स, क्लास के एंड में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ को भी रख सकते हैं अगर आपने नोट डाउन नहीं कर पाया है। रिमोट लोकेशंस पे भी आप लेक्चर्स को, वीडियो को डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, एक्सेलरेट एंड आरोहन बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी पे, बहुत ही सुंदर बैच है, IAS 10 कोड यूज करके आप इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, लास्ट कॉम्बो ऑफर, अगर कोई बच्चा अनअकैडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लेता है तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में उसे 3 मंथ का कैंपस प्लेसमेंट IT जॉब सब्सक्रिप्शंस मिलता है। तो अगर किसी बच्चे के कॉलेज में कोई IT कंपनी आती है कैंपस के लिए, तो उसे वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो अपने गेट और EAC के कोर्सेज में ही अनअकैडमी से पढ़ाई कर सकता है कैंपस के लिए भी, जहाँ पे वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कोडिंग स्किल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें उसको पढ़ाई जाएगी। ओके, और ये हमारा बच्चों प्राइस हाइक अपकमिंग एग्जाम्स के लिए 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, तो 14,000, 26,000, 32,000, 41,000 एंड 47,000 ये आपके फी स्ट्रक्चर है। इनको आप यूज करके सब्सक्रिप्शन बच्चों ले सकते हैं। तो चलिए माय डियर लर्नर्स, हम अपने कोर्सेज को स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी मुझे आंसर अब आप बताइएगा, रेडी हो जाइए माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एवरीवन, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? एवरीवन जस्ट टेल मी। जनरल अवेयरनेस में कुछ हम फुल फॉर्म्स देखने वाले हैं, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ असोचाम? असोचाम का फुल फॉर्म क्या है? इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोसिएटेड ऑफ कॉमर्स, एसोसिएटेड कॉमर्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है 1 का आंसर ए है या बी है या सी है। जल्दी जल्दी मुझे प्लीज बताते चलिए, कोई एक लड़का कमेंट बॉक्स में प्लीज। असोचाम का बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स है, प्लीज लेट मी नो माय डियर लर्नर्स। दीप करदानी जी डी, हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। ऋषभ, गुड इवनिंग सर। 14 से प्लस पर मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल प्लस पर मिलेंगे। इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ। शुभांशु गुप्ता, ऋषभ, जल्दी जल्दी आप लोग का आपका कमेंट बहुत लेट से मेरे पास आ रहा है, आपका कमेंट बहुत लेट से मेरे पास आ रहा है, मुझे आंसर बताइए जल्दी से प्लीज। शुभांशु, ऋषभ, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द कमेंट बॉक्स प्लीज गाइज। डी इज द राइट आंसर, असोचाम, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। द राइट आंसर इज एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, राइट, राइट आंसर इज योर ए, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों बताते जाइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG? तो बैसिलस कॉलरा जर्म्स, बैसिलस कैलमेटे यूरियम। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता दीजिए कि BCG का फुल फॉर्म क्या है, कोई एक लड़का। तो BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेटेगुरियन, राइट, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर B। ओके, नेक्स्ट बता दीजिए कोई एक लड़का कि JIMEX, 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 इसका फुल फॉर्म क्या है? JIMEX, JIMEX का फुल फॉर्म जापान इंडिया ज्वाइंट मिलिट्री एग्जीबिशन, जापान इंडिया मरीटाइम एक्सरसाइज, जापान, जल्दी से JIMEX का, इसका राइट आंसर है जापान इंडिया मरीटाइम एक्सरसाइज, राइट आंसर इज B, जापान इंडिया मरीटाइम एक्सरसाइज, वेरी गुड। नेक्स्ट बता दीजिए मुझे ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या है, कोई एक लड़का ट्रिम्स का, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिम्स का जल्दी से एवरीवन। ट्रिम्स का बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का कोई एक लड़का आंसर बता दीजिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 का कोई एक लड़का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। द राइट आंसर इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, बिल्कुल सही, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर सी इज द राइट आंसर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। नेक्स्ट बच्चों बताइए सागर, सागर का फुल फॉर्म क्या है? सागर, सागर, सागर साउथ एशियन ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, साउथ एशियन रिसर्च जर्नल, स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट। तो राइट आंसर इसका क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, दैट इज द राइट आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए आईपीसीसी, आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? राइट, इंटरनेशनल पॉपुलेशन, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से एवरीवन। आईपीसीसी कोई एक लड़का बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आईपीसीसी का फुल फॉर्म, क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, आप जब भी बताइए तो इसको ये बताइएगा कि आप 6 का आंसर बता रहे हैं, 7 का आंसर बता रहे हैं, ये जरूर बताइएगा मुझे कि किसका आप आंसर बता रहे हैं। इसका राइट आंसर है 6 का है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट बता दीजिए एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टाइम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक क्या है? तो राइट आंसर इज ऑटोमेटिक, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दैट इज द राइट आंसर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दैट इज एटीएम। नेक्स्ट बता दीजिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन इसमें से करेक्ट नहीं है? तो एनएमए नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी बिल्कुल सही है, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटेड टीम, राइट इन्वेस्टिगेशन टीम, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। गलत कौन है? ये ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्स नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? बॉर्डर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये आपका सी जो हो गया गलत हो गया, राइट, क्योंकि यहाँ पे बोला था नॉट, नॉट बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट बताइए, कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल कोलिशन, इंडियन पॉलिटिकल कोलिशन एनडीए, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल द्रविडियन अलायंस, नेशनल डेमोग्राफिक अलायंस, नेशनल डिफेंस अलायंस। तो लगभग लड़कों को मालूम होगा, मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई होगा जिसको नहीं मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दीजिए कोई एक लड़का। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर ए, ए इज द राइट आंसर, एनडीए। और यूपीए जो है पॉलिटिकल पार्टी जिसको हेड कांग्रेस करती है, एनडीए को कौन करती है? बीजेपी, राइट। तो इसका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, राइट अलायंस। चलो नेक्स्ट बता दो एवरीवन, क्या है? आरएमएसए, आरएमएसए मींस, कोई एक लड़का आरएमएसए मींस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रिवर मैनेजमेंट एंड सेफ्टी अथॉरिटी, राष्ट्रीय मिडिल स्कूल एसोसिएशन, रिकरिंग मॉडेस्ट। तो आरएमएसए का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, याद रखिएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आरएमएसए, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों बताइए लैन, लैन कनेक्शन जो आप लोग लेते हैं ना, जैसे कॉलेज वॉलेज में बहुत लड़के होंगे तो लैन लगाते हैं, इसका आंसर बता दीजिए लैन का जल्दी से, जल्दी से कोई एक लड़का जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का जल्दी 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 जल्दी। रोहन जोशी, रोशन जोशी, ज्ञान रंजन, रोशन, जल्दी से 11 का आंसर मुझे कोई एक लड़का बता दे, आई एम वेटिंग फॉर देयर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का डी, लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल सही, लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल सही आंसर है, लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बता दीजिए ये जीआईएस, जीआईएस का फुल फॉर्म, जीआईएस का कोई एक लड़का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआईएस? बिल्कुल सही, जीआईएस का फुल फॉर्म है आपका ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल जियोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो राइट आंसर है जियोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज, जियोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज। नेक्स्ट बताइए ऑड मैन आउट आपसे बोल रहा है इसमें बताने के लिए, ऑड मैन आउट, तो जल्दी से बता दीजिए आईडीबीआई, आईडीबीआई जानते ही होंगे, तो आईडीबीआई का क्या? फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द लार्ज इंडस्ट्री, राइट। सिडबी, सिडबी बोल रहा है, सिडबी किसके लिए? स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। कर है ऑड वन आउट, बोल रहा है कि एफसीआई फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द गुड एंड ग्रेन मर्चेंट। उसके बाद बोल रहा है एक्सिम बैंक फाइनेंस असिस्टेंट टू द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। तो आपका यहाँ पे जो ऑड मैन आउट है ये एफसीआई फाइनेंस असिस्टेंट टू द गुड्स एंड गुड्स एंड ग्रीन मैनेजमेंट। तो एफसीआई सबको लगभग मालूम होगा, राइट, एफसीआई लगभग सबको मालूम होगा, कोई ऐसा लड़का नहीं होगा, राइट। तो फूड एफसीआई क्या होता है आपका? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये होता है आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। तो ये आपका फूड ग्रेन मर्चेंट नहीं है। तो आईडीबीआई आपका लार्ज इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल सही है, सिडबी आपका स्मॉल इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल सही है, ये भी सही है आपका। गलत कौन हो गया? ये वाला एफसीआई, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइए ईवीएम। ईवीएम जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट, जल्दी से बता दीजिए। ईवीएम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये मुझे नहीं लगता है कि शायद किसी को नहीं मालूम होगा। इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताइए जेडीबीसी। जेडीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? जेडीबीसी का फुल फॉर्म हमारा होता है जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस। तो राइट आंसर इज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ओटीईसी का फुल फॉर्म। ओटीईसी का फुल फॉर्म क्या है? ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, राइट, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो कन्वर्जन देखिए, कंजर्वेशन तो हम नहीं करते हैं, क्या करते हैं? कन्वर्जन करते हैं, किसका? ओशन एनर्जी। तो राइट आंसर है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटीईसी, राइट, इसको याद रखिएगा। डेट इज 16 का। नेक्स्ट बता दीजिए कह रहा है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिडबी स्टैंड फॉर, कोई लड़का बता दीजिए सिडबी। अभी मैंने बताया कि स्मॉल इंडस्ट्री होता है, स्मॉल इंडस्ट्री सिडबी में होता है, ये बात बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से माय डियर स्टूडेंट, सिडबी का राइट आंसर बता दीजिए। बालचंद्रन, बालचंद्रा, ज्ञान, एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 17 कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 17 का आंसर, 17 का आंसर बता दीजिए। 17 का सी, बिल्कुल सही। राइट आंसर इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताइए नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ये तो नाम से ही दिख रहा है बच्चों, एनआईएम होगा ही नहीं। तो राइट आंसर क्या है? NACMF। तो ये मुझे नहीं लगता है किसी को डाउट होगा इसमें। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग NACMF, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बता दीजिए कह रहा है कि द एब्रीविएशन LHC स्टैंड्स फॉर विच मशीन। LHC लॉन्ग हेवी कोलाइडर, राइट, लार्ज हेड्रन कोलाइडर, लाइट हीट कोलाइडर, लार्ज हाई कोलाइडर। इसका राइट आंसर है लार्ज हेड्रन कोलाइडर, लार्ज हेड्रन कोलाइडर। The abbreviation LHC stands for which machine? Large Hadron Collider, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बता दीजिए कि in India FERA has been replaced by, तो FERA is replaced by, इसको शायद आप लोग को नहीं मालूम होगा। FERA का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई लड़का FERA का फुल फॉर्म बता दे मुझे। FERA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन FOREIGN, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1999 में आया था ये। इसी का नाम बदल के क्या रख दिया गया? अब नया नाम इसका बदल के रख दिया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, नाम रख दिया गया है मैनेजमेंट एक्ट, राइट तो ये आपका हो गया FEMA, ये हो गया आपका FEMA, याद रखिएगा। ये FEMA हो गया, पहले क्या था? FERA था, FERA, राइट तो FERA से FEMA, फॉरेन एक्सचेंज। चलो ये आई होप कि आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कह रहा है PC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो बहुत आसान है, ये शायद ही किसी को, PC तो क्वाइट ईजी है, प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। राइट आंसर इज पर्सनल कंप्यूटर, मतलब PC, that is very good। नेक्स्ट बता दीजिए ये मोडवैट। MOD VAT VAT is related to sales tax, wealth tax, income tax, excise duty tax. तो याद रखिएगा मोड वैट जो है हमारा that is related to excise duty. excise duty tax से ये related है मोड वैट, इसको नॉलेज में रखिएगा. नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट एक्सप्रेशन ऑफ ट्रिम्स, TRIMS. तो ट्रिम्स का राइट क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंडस्ट्रियल मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इनोवेशन मेजर्स, ट्रेड इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट. राइट आंसर इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. राइट, इट इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट बताइए CTBT, CTBT स्टैंड फॉर. कोई एक लड़का 24 का मुझे बता दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट देख रहा हूँ. जल्दी से कोई एक लड़का जल्दी से बता दे कमेंट बॉक्स में 24 का जल्दी से 24 का एवरीवन फास्ट. सर 23 का डी, 23 का डी. चलो 24 का CTBT, CTBT बिल्कुल सही आंसर है. CTBT इज द राइट आंसर. CTBT इज द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ये एक्चुअल में आया था न्यूक्लियर, याद रखिएगा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर. एक्चुअली यहाँ पे एक वर्ड ऐड होगा, इसको अगर आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर बैन, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. राइट, नेक्स्ट आ जाइए. न्यूक्लियर बैन था ये, बोल रहा था टर्म गीगो, GIGO. तो ये GIGO का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, याद रखिएगा गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज आउट. राइट, ये रिलेटेड होता है एक्यूरेसी. गार्बेज इन गार्बेज आउट टर्म जो है आपका एक से रिलेटेड है, एक्यूरेसी से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा. अब मैं 2-3 आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप मुझे बताइए 2-3 बच्चों के ये बताइए मुझे RTPCR, अभी ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, तो आप मुझे बताइए RTPCR सुनते होंगे ना लोग, अभी कोविड में कराते हैं ना RTPCR, ये कोविड टेस्ट करते, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोई लड़का कमेंट बॉक्स से बता दे इसका फुल फॉर्म, RTPCR का फुल फॉर्म कोई एक लड़का. इसका होता है, याद रखिए अगर नहीं मालूम है आपको तो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. राइट, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये आ सकता है बच्चों, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसको याद रखिएगा. एड्स का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, तो ये तो सबको मालूम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, राइट, इसको आप याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, ICMR अभी बहुत न्यूज में था. राइट, अभी कोविड में ICMR बहुत ज़्यादा न्यूज में चल रहा था, तो इसका भी आप याद रखिएगा. Indian Council of Medical Research ये सब देख के जाइएगा, बहुत ज़्यादा चांस है आने का. राइट, ये सब देख लीजिएगा, ये आपको RTPCR, एड्स, ICMR. राइट, कोविड का, राइट, कोविड कोरोना वायरस डिजीज को भी पूछे कि कोविड का क्या है, कोविड है ना, कोरोना वायरस डिजीज अगर आ जाए, कोरोना वायरस डिजीज. राइट, ये सबको याद रखिएगा, ये सब बहुत चांस है. अच्छा, आपसे मान लीजिए पूछते सार्क का, सार्क भी सुनते होंगे ना. राइट, सार्क बहुत फेमस है, इसका फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो इसका होता है साउथ, मालूम है सबको, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम होगा दो तीन माय डियर लर्नर्स, और आपको दो तीन मालूम होगा तो बता दीजिए जल्दी से, और आप दो तीन बता दीजिए। ये क्या नाम है, यूनेस्को, यूनेस्को का भी दो तीन पीएचयू में पूछ चुका है। यूनेस्को, यूनेस्को क्या होगा, यूनेस्को का यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो है तो बहुत सारा बच्चों, ये सबको आप याद रखिएगा, राइट। यूनिसेफ भी एक देख लीजिए, राइट। WHO, अभी ये सब न्यूज में था, राइट। WHO, यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन फंड। इसको आप याद रखिएगा, ये मैंने जितना लिखा दिया, कौन कौन लिखा दिया आपको, देखिए यूनेस्को याद रखिएगा, राइट। यूनिसेफ को याद रखिएगा, RTPCR याद रखिएगा, एड्स याद रखिएगा, ICMR याद रखिएगा, कोविड कोरोना वायरस डिजीज याद रखिएगा, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, राइट। ये सबको आप याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारा तो मैंने आपको ऑलरेडी अभी एग्जाम में पूछ लिया, अभी टेस्ट में पूछ लिया कि CTBT स्टैंड्स फॉर, बहुत सारा मैंने आपसे लगभग देख लिया। वीडियो को पीछे करके, जो लड़के अभी ज्वाइन किए हैं वो वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख लेंगे। अब आइए दूसरे, आपका आज का टेस्ट जो दूसरा वाला है जो इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है हमारा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट वॉज, पहले इंडियन कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पे गई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। फर्स्ट इंडियन हु एक्सेल टू द माउंट एवरेस्ट, जल्दी से। I am waiting for your answer, my dear learners. Please just let me know the right answer. कमेंट बॉक्स में जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं कुछ लड़के, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। द राइट आंसर इज बैचंद्री पाल इज द राइट आंसर, बैचंद्री पाल। नेक्स्ट बच्चों बताइए मुझे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स remained in the captivity of his son, which of the following Muslim ruler remained in the captivity of his son, जल्दी से comment box में, right, जल्दी से कोई एक लड़का जल्दी से बताइए, जल्दी से लाइक बटन दबाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा मुस्लिम रूलर था जिसको उसके बेटे ने ही गुलाम बना के रखा हुआ था, तो राइट आंसर इज शाहजहां जो था, शाहजहां को औरंगजेब ने गुलाम बना के रखा हुआ था, कैद कर लिया था, राइट। तो राइट आंसर इज शाहजहां इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट बच्चों कह रहा है आपसे कि द इंडस वैली पीपल हु वोर क्लॉथ्स मेड अप ऑफ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्लॉथ्स पहनते थे किसका, राइट। रोहन जोशी, सुमित, सबका आंसर गलत, किसका आंसर बता रहे हो डी, किसका आंसर बता रहे हो। क्वेश्चन में आप लोग लिखते नहीं है, देखिए बड़ा कंफ्यूजन होता है, किसका आंसर है ए, खाली डी सी लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखा कीजिए, सर मैं 3 नंबर का बता रहा हूँ, मैं 4 नंबर का बता रहा हूँ, मैं 5 नंबर का बता रहा हूँ, लिखा कीजिए, समझे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द इंडस वैली पीपल वोर द क्लॉथ मेड अप ऑफ, राइट, किस चीज का बनाते थे क्लॉथ, आपको कॉटन और वूल का क्लॉथ बनाते थे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बता दीजिए, नेक्स्ट बताइए, कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 का किसे मिला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 का किसे मिला है एवरीवन, जल्दी से सारे लड़के दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 का किसे मिला है, ये सब आएगा क्वेश्चन, निपट जाओगे बाद में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 जल्दी से कोई एक लड़का जल्दी से बता दे दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी अमिताभ बच्चन को मिला है। 2020 का थोड़ी मिला अमिताभ बच्चन को, 2020 का अमिताभ बच्चन को नहीं मिला है। राइट आंसर इज रजनीकांत, रजनीकांत इज द राइट आंसर, रजनीकांत इज द राइट आंसर। क्या पढ़े हो तुम लोग का, तैयारी ही नहीं है, तैयारी ही नहीं है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इतना फेमस अवार्ड है वो भी नहीं याद है, तैयारी ही नहीं किए हो, पता नहीं। राइट नेक्स्ट आओ, बोला दीने इलाही, दीने इलाही वॉज द रिलीजन प्रोमोटेड बाई, दीने इलाही रिलीजन किसने चलाया था। जहांगीर ने चलाया था, हुमायूं ने चलाया था, शाहजहां ने, अकबर ने, जल्दी से किसने चलाया था दीने इलाही रिलीजन। तो दीने इलाही रिलीजन वॉज प्रोमोटेड बाई जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। राइट आंसर अकबर, अकबर ने दीने इलाही रिलीजन को चलाया था। राइट नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बताओ मुझे, कह रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, डे को थोड़ा ध्यान में रखना, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर 5 जून, 5 जून को हम क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आ रहा है एवरीवन, लाइक बटन दबा रहे हैं बच्चों, लाइक बटन दबा रहे हैं या नहीं। सिर्फ 17 लाइक है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज हिट द लाइक बटन। कम से कम 50-50 लाइक मस्ट बी देयर बच्चों, थोड़ा सा लाइक बटन दबाइएगा एवरीवन। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपका रिविजन हो गया अच्छा खासा, अगर आपका अच्छा खासा रिविजन हो गया तो एक बार हार्ट शेयर कर दीजिए एवरीवन, एक बार हार्ट शेयर कर दीजिए अगर आपका रिविजन हो गया अच्छे से। तो रिविजन हो रहा, मैंने बहुत मेहनत किया है आपके साथ, मैंने लिटरली में बहुत मेहनत किया HPCL एग्जाम के लिए, और मैं चाहता हूं आप लोग में बहुत लड़कों को कामयाबी मिले, उनका एग्जाम निकल जाए। ओके तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दिलवारा जैन टेम्पल, दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है। उदयपुर, जयपुर, अजमेर, माउंट आबू। दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है बच्चों। तो दिलवारा जैन टेम्पल हमारा लोकेटेड है उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में, माउंट आबू में। तो राइट आंसर है हमारा माउंट आबू। सर आंसर देने का टाइम ही नहीं देते हैं, आप खुद बता देते हैं। अच्छा चलिए चलिए टाइम देंगे, अब चलिए टाइम उस पर क्या होता है, लेट हो जाता है। आप लोग देते तो हैं ही, आप लोग देते तो हैं ही। राइट आंसर इज माउंट आबू इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, माउंट आबू इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए, When was the International Monetary Fund founded? IMF, International Monetary Fund को कब बनाया गया था IMF। 8 का आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, 8 का। चलिए मैं रुक जाऊंगा क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है, जल्दी बताओ 8 का आंसर। लाइक कर दिए सब लोग, वेरी गुड लाइक कर दिए, बहुत बढ़िया। 8 का आंसर जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। 8 का डी 1915 गलत है, 1945, 1945 इज द राइट आंसर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, बिल्कुल सही। चलो ये बता दो मुझे कि 2018 अभी वाला तो हुआ नहीं कोविड की वजह से, 2018 का एशियन गेम, 2018 एशियन गेम वाज हेल्ड इन दोहा, कतर, जकार्ता, इंडोनेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड। तो 2018 वाला एशियन गेम कहाँ हुआ था। राइट ओलंपिक भी याद रखिएगा, ओलंपिक टोक्यो में, ये भी क्वेश्चन रहेगा। राइट ओलंपिक टोक्यो में रहेगा, जल्दी से बता दीजिए। चलो व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज आपका जकार्ता, इंडोनेशिया। कहाँ हुआ था, जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ था एशियन गेम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए, नेक्स्ट बताइए, बोल रहा है कि विच इज नॉट करेक्ट, क्या बोल रहा है, कौन सा करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। व्हीट कहाँ होता है बच्चों, गेहूं होता है पंजाब में, ये बिल्कुल सही है। टी, चाय पत्ती होता है आसाम में, बिल्कुल सही है। और बोला कॉफी, कॉफी होता है कर्नाटका में, ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर, रॉन्ग आंसर है आपका डी, डी इज द राइट रॉन्ग आंसर। राइट, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से कि कौन सा नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम लोग, ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे डी वाला, डी वाला नॉट करेक्ट है, यही नॉट आपका करेक्ट है। राइट सैफरॉन आपका यहाँ पे नहीं होता, याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर आपका कहाँ होता है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा जे एंड के, वहाँ होता है सैफरॉन। राइट नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बच्चों बताइए, कह रहा है कि कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो डांस है ये कहाँ का डांस है, कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है बच्चों, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है, कोई एक लड़का, क्वेश्चन नंबर 11 डांस कहाँ का है, कुचिपुड़ी डांस, कुचिपुड़ी डांस इज रिलेटेड टू, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जल्दी से 11 लिखिएगा, 11 का बताइएगा, शुभम जी बता रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर इज 11 का बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बच्चों बताइए, द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ जूट, इंडिया में सबसे ज्यादा जूट कौन प्रोड्यूस करता है, द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु और आसाम, जल्दी से 11 का आंसर बताइए कोई एक लड़का, भाई चीफ प्रोड्यूसर ऑफ जूट, जूट का चीफ प्रोड्यूसर कौन है, उड़ीसा नहीं है, उड़ीसा गलत है, राइट आंसर इज 12 का राइट आंसर है, साहिल बोल रहा है बिल्कुल सही, राइट आंसर इज योर राइट है वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर, जूट जो है हमारा वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बताइए मुझे, ये कह रहा था लास्ट बैटल दैट हुमायूं फॉट विद शेरशाह सूरी, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लास्ट बैटल कौन सा हुआ था, सूरजगढ़, बिलग्राम, चौसा, रायसेन, जल्दी से, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लास्ट बैटल कौन सा हुआ था, राइट आंसर इज बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा हमारा हुआ था लास्ट बैटल हुमायूं और इसके बीच में। नेक्स्ट बता दो अभी कह रहा है कि इन 2020 में नोबेल प्राइज मिला है इन केमिस्ट्री, has been awarded two scientists for which field in chemistry, केमिस्ट्री के किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, जल्दी से एवरीवन, जीनोम एडिटिंग, बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, जल्दी से बता दीजिएगा अभी जो नोबेल प्राइज मिला है 2020 में किस फील्ड में मिला है, सब लड़के 14 का आंसर जल्दी से बता दीजिए, 14 का, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री हैज बीन अवॉर्डेड, बिल्कुल सही आंसर है, द राइट आंसर इज जीनोम एडिटिंग के फील्ड में मिला है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए बच्चों, नेक्स्ट बता दीजिए मुझे, क्वांटम में नहीं मिला है। नेक्स्ट बोल रहा है हु इज द ओनली इंडियन टू बी रैंक्ड इन द फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज, वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज में के लिस्ट में 2020 की लिस्ट में कौन भारतीय हैं, विराट कोहली, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, राइट आंसर इज योर अक्षय कुमार इज द राइट आंसर, राइट। बॉलीवुड के पास बच्चों ज्यादा पैसा है, स्पोर्ट्समैन से ज्यादा पैसा, राइट, तो स्पोर्ट्समैन से अक्षय कुमार इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वेटरन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बलबीर सिंह दोसांझ, who recently passed away, was associated with which sports? Hockey, football, weightlifting, cricket. जल्दी से, वेटरन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बलबीर सिंह दोसांझ, who recently passed away, is related to बलबीर सिंह दोसांझ, जल्दी से, वेटरन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बलबीर सिंह दोसांझ, That he is related with, बच्चों 16 का आंसर सही से बताइए, 16 का आंसर सही से बताइए एवरीवन प्लीज, गलत बता रहे हैं बहुत सारे लड़के, गलत, राइट आंसर इज हॉकी इज द राइट आंसर, बलबीर सिंह दोसांझ हॉकी से रिलेटेड थे और अभी हॉकी ने क्या जीता है ओलंपिक में, ब्रॉन्ज मेडल, बिल्कुल सही। कह रहा है कि हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है, जल्दी से बता दीजिए, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है एवरीवन, जल्दी से, जल्दी सारे लड़के, Everyone, fast, tell me, right answer, right answer. Who was recently appointed as the chairman of Railway Board? 17 का आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं आ रहा है। मुकेश राज, कार्तिक, शुभम, मुकेश राज, कार्तिक, शुभम, आयुष, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से बताओ। पब्लिक वीडियो ए, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। विनोद कुमार, विनोद कुमार यादव, विनोद कुमार यादव इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, इंडिया विंस फ्रीडम ये किताब किसने लिखी है? हु रोड द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? हु रोड द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? अखिलेश त्रिलोटिया, अमिताभ घोष, अब एपीजे ये सॉरी अबुल कलाम आजाद, अटल बिहारी वाजपेयी, जल्दी से, जल्दी से एवरीवन, जल्दी से माय डियर लर्नर, जल्दी से बता दीजिए कि इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है किताब? सर सी अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल सही। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा ये सब भी पूछता है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, राइट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए, कह रहा है व्हेन इज द अर्थ डे ऑब्जर्व? व्हेन इज द अर्थ डे ऑब्जर्व, जल्दी से बताइए, व्हेन इज द अर्थ डे ऑब्जर्व? चलिए 19 का 19 क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, व्हेन अर्थ डे कब मनाते हैं? अर्थ डे बच्चों जल्दी से, एवरीवन लाइक बटन दबा रहे बच्चों, मजा आ रहा है आपको? गाइज आर यू रियली इंजॉइंग? अगर आपको मजा आ रहा है, इफ यू आर रियली इंजॉइंग गाइज, एक बार हार्ट शेयर कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। कल क्वेश्चन यहीं से आएगा माय डियर लर्नर्स, कल क्वेश्चन यहीं से आएगा। एवरीवन लाइक बटन, एटलीस्ट 50 लाइक, देखो 30 स्टूडेंट्स देख रहे हैं और लाइक इज 27, वेरी एम्बैरेसिंग, वेरी एम्बैरेसिंग माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज एटलीस्ट 50 लाइक्स मस्ट बी देयर, राइट? The right answer will be 22 April. 22 April is the right answer. 22 April is the right answer. Okay. So please hit the like button, everyone. First hit the like button, then I will continue. Okay. Like button दबा दीजिए, my dear learners. Please, Ayush, everyone hit the like button. Everyone hit the like button, please. Everyone hit the like button. Very good, amazing, amazing बच्चों, amazing. Everyone hit the like button. जबरदस्त, बहुत शानदार। नेक्स्ट बच्चों बताइए कि in 42th Constitution Amendment 1976 which word was added to the preamble? कौन सा word preamble में add हुआ? 42th Constitutional Amendment 1976। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए जल्दी से, 20th का आंसर बताइए जल्दी से एवरीवन, प्लीज टेल मी द राइट आंसर, टेल मी द राइट आंसर माय डियर लर्नर्स, प्लीज टेल मी द राइट आंसर एवरीवन। सी सेक्युलर वर्ड इज एडेड, बिल्कुल सही, राइट आंसर इज सी। तो ये था बच्चों हमारा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने किया और आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वेरी वेरी गुड, अमेजिंग। इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो मजा आ जाएगा बच्चों, राइट? चलिए कुछ और क्वेश्चन हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंग्लिश का भी एक दो कर लेते हैं, इंग्लिश का भी कुछ कर लेते हैं, देख लेते हैं, कहीं एग्जाम में आ जाएगा तो हमें बड़ा आराम हो जाएगा। ओके, तो एग्जाम में टकराएगा तो हमें बहुत आराम हो जाएगा। तो जल्दी से बच्चों इसका आंसर बता दीजिए एवरीवन, जल्दी से गाइस, क्या है राइट आंसर? द एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब टू बी फिल इन द ब्लैंक। गांधी न्यू डैट ही डैश सुन बी जेल्ड, गांधी न्यू डैट ही डैश सुन बी जेल्ड। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कोई एक लड़का, राइट? जल्दी से, जल्दी से एवरीवन, जल्दी से कोई एक लड़का जल्दी से बता दो माय डियर लर्नर्स, जल्दी से। राइट आंसर इज वुड, बिल्कुल सही आंसर है वुड। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर इज वुड। गांधी वुड सुन बी जेल्ड, राइट, बिल्कुल सही, गांधी वुड सुन बी जेल्ड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बच्चों बताइए प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म का मीनिंग, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेगियरिज्म इज? प्लेगियरिज्म का क्या मीनिंग होता है? प्लेगियरिज्म का मीनिंग बताइए एवरीवन, प्लेगियरिज्म का मीनिंग बता दीजिए सब लोग। theft of public money, theft of idea, believe in one's go, जल्दी से plagiarism, plagiarism का theft of idea, व्योम कुमार बता रहे सर theft of idea, that's great, very good, theft of idea, copyright violation, right? तो plagiarism बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए ये वाला एक क्वेश्चन, ये बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया इज द नॉर्मल फियर ऑफ, एक्रोफोबिया इज द नॉर्मल फियर ऑफ ओपन स्पेस, हाइट, फायर, वाटर, एक्रोफोबिया इज द नॉर्मल फियर ऑफ, जल्दी से, एक्रोफोबिया इज द नॉर्मल फियर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कोई एक अलग का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दे जल्दी से। आपका कमेंट नहीं आ रहा है गाइस, गाइस आपका कमेंट नहीं आ रहा है, आपका चैट आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों आपका चैट नहीं आ रहा है एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, बी इज द हाइट, बिल्कुल सही आंसर है बी, बी इज द हाइट, हाइट इज एब्सोल्युटली राइट। और आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप जो कमेंट बॉक्स में एक मेरा प्रोफाइल दिया हुआ है अनअकैडमी का, उस प्रोफाइल को जरूर से जरूर फॉलो कर लें, उस प्रोफाइल को जरूर से जरूर फॉलो कर ले। प्रोफाइल पे क्लिक करके अगर आप गेट और ईएसी के लिए सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा 13 अगस्त से 14 अगस्त से गेट और ईएसी के लिए सेशन शुरू होगा, तो आप जरूर उसमें आइएगा, तो मुझे फॉलो कर लें, लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी पे, आ जाओ। अब कह रहा था अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ पोजिशन, ही वॉज एंग्री डैश मी बिकॉज माई रिमार्क्स वर एम्ड डैश हिम, जल्दी से बता दो। 7 का राइट आंसर इज आई वॉज एंग्री विद, ही वॉज एंग्री विद मी बिकॉज माई रिमार्क्स वर एम्ड एट हिम, राइट, द राइट आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर, ही वॉज एंग्री विद मी बिकॉज माई रिमार्क्स वर एम्ड एट हिम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बच्चों बताइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि आई रिमेंबर डैश वॉइसेज इन द मिडल ऑफ द नाइट, आई रिमेंबर डैश वॉइसेज इन द मिडल ऑफ द नाइट, आई रिमेंबर हियर वॉइसेज, आई रिमेंबर टू हियर वॉइसेज, I remember hearing voices in the middle of the night. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, everyone fast tell me, क्वेश्चन नंबर 8, I remember dash voices in the middle of the night. जल्दी से कोई एक लड़का fast fast fast. I remember hearing voices, that is absolutely right answer. I remember hearing voices, hearing voices is the absolutely right answer. चलो नेक्स्ट बता दो मुझे कि ये पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, जल्दी से इसका आंसर सारे लोग, आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही हैज बीन नोन टू मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही हैज बीन नोन बाय मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, he has been known to me for a long time. जल्दी से कोई एक लड़का जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का शुभम जी बिल्कुल बता रहे हैं known to me, known to me होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही, the right answer is आयुष जी बिल्कुल सही, known to me for a long time, that is absolutely right answer, known to me बिल्कुल सही। नेक्स्ट बच्चों बताइए, नेक्स्ट बता दीजिए my dear learner, if kennel, if kennel is to a dog is related to a dog, then dash is related to a hen, hen से related क्या है, kennel is related to a dog मतलब dog के घर को बोलते हैं kennel, then dash is related to hen, जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, 10 का आंसर बच्चों। नेस्ट, नेस्ट मतलब होता है घोंसला, घोंसले में क्या रहती है, चिड़िया, चिड़िया रहती है, राइट आंसर इज, राइट आंसर इज Coop, coop is the right answer, बिल्कुल सही, coop is the right answer, C-O-O-P, coop, बिल्कुल सही आंसर है, very good, amazing, amazing परफॉर्मेंस दे रहे हैं बच्चों, amazing परफॉर्मेंस, very good, बहुत ही शानदार, लाइक बटन दबा रहे हैं, लाइक बटन दबा दिए सब आदमी, एटलीस्ट 50 लाइक्स बच्चों, 50 लाइक्स चाहिए मुझे, everyone hit the like button please, guys hit the like button and share hearts if you are really enjoying the session and this session is really help you to get good marks in HAL, HPCL exams. Now tell me, nation is related with N523675. Then notion is related to कोई एक लड़का जल्दी से notion is related to जल्दी से बता दो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कोई एक लड़का बता दे। ए आएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं बहुत सारे लड़के, बिल्कुल सही बता रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हैं। राइट आंसर इज क्या? लॉजिक, क्या लॉजिक भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लॉजिक भी बताना है बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। राइट, लॉजिक भी बताना है। राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बता दीजिए कोई एक लड़का। द नेक्स्ट टू नंबर ऑफ द सीरीज 3, 5, 11, 21। राइट, नेक्स्ट नंबर बताइए 3, 5, 11, 21। हाँ समझ गए, बिल्कुल 3, 5, 11, 21। कंपेयर द नंबर। चलिए आप लोग आंसर सही बताएं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम नहीं है। सर अल्फा डिजिट का नंबर ऐड कर देना, बिल्कुल सही आंसर है। चलो जल्दी से बताओ, चलो इसका आंसर बता दो। 3, 5, 11, 12 का एवरीवन। डी इज द राइट आंसर। कुछ लड़के डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। 35 and 53, दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। 35 एंड डी, 3, 5, 11, 21, दैट इज द राइट आंसर। 35 और 35 और 53, तो आप इस पे सोच लीजिएगा बच्चों। राइट आंसर इज डी। सब लड़के बता दिए, तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी इसका सोल्यूशन चाहिए। वेरी गुड माई डियर आर्मी, वेरी गुड, अमेजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है देखो। एवरीवन कम, आ जाओ। थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो रहा है मेरा। देखो क्या कह रहा है, A, B, C are the three places in India, right, with longitude 80, 85 and 90 degree, right? Which one of the following statement about the local time of the places is true? Local time के regarding बताइए तो, local time के regarding कौन सा सही है? Local time के regarding everyone क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से 13 का आंसर बता दीजिए। 13 का कोई एक लड़का, क्या होगा? तीनों का लोकल टाइम सेम होगा या क्या होगा? जल्दी से, जो लोकल टाइम आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, वो क्या है? तेरह का डी, डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट आंसर माय डियर लर्नर्स, एब्सोल्युटली राइट। डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी गुड, अमेजिंग। नेक्स्ट आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली इज रिटन एज, क्या कह रहा है बच्चों? दिल्ली। अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, चलो कोई बात नहीं, एक छूट गया, स्लो हो गया ये पूरा, हैंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, ये हैंग कर रहा है, लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ गया इसमें। चलिए जल्दी से बताइए कार्तिक जी, सॉल्यूशन बताइए। किसका सॉल्यूशन कार्तिक जी? पूछिए, किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए आपको? चलिए दिल्ली इज रिटन एज, जल्दी से Delhi is written as EDHIL. Then Paris is written as, दिल्ली को लिख रहे हैं EDHIL. किस चीज का सॉल्यूशन चाहिए? इतना आसान क्वेश्चन में क्या बताएं आपको हम, इसमें क्या बताएं आपको? DEL, ये बड़ा हैंग कर गया, नहीं हो पाएगा, स्लो हो गया, नहीं हो पाएगा. चलिए, बहुत आसान है, आप लोग को मालूम है. यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, ये D इसको इंटरचेंज कर दिए हैं, राइट, और I और H और I को इधर लिख दिए, L को बीच में लिख दिए, मतलब यहाँ पे S आपका बीच में हो जाएगा, राइट. तो ये आपका L है तो S आ जाएगा, ये यहाँ पे ये L लास्ट में चला गया है, राइट. तो ये आपका बीच वाला R आपका लास्ट में चला जाएगा, चेंज पोजिशन. तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? R लास्ट में, मतलब इसी में, राइट, ये वाला है, और ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये AP हो जाएगा. तो ये आसान क्वेश्चन में क्या बताएं हम? D इज द राइट आंसर. ओके, इसमें क्या बताएं? ये हैंग कर रहा है बच्चों, राइट, पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है. ओके, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ये कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, कुछ हैंग प्रॉब्लम हो रहा है. तो चलिए बच्चों, आप हमारे साथ बने रहें, और हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, राइट. ये इसमें कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच हो रहा है मुझे लग रहा है. चलिए, कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा ये किया, और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी है, और मेरा पूरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है. आप एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से दीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से जाए. तो चलिए, मैं अब एंड कर दे रहा हूँ सेशन को, कि थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है इसमें. तो अगर कोई लड़के मान लीजिए देना चाहते हैं, राइट, तो आप टेस्ट ज़रूर दीजिए इसमें. तो जनरली मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था आपको जनरल अवेयरनेस कराना, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने इंग्लिश भी और आपको रीजनिंग वगैरह भी थोड़ा सा करा दिया, तो बहुत अच्छी बात है. चलिए, आपका तैयारी अच्छा है, तो स्पेशल क्लास में ज़रूर बने रहिए, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में ज़रूर बने रहिए. और अनअकैडमी का जो स्पेशल क्लास है, दैट्स आर रियली इंटरेस्टिंग. तो अगर आप HAL HPCL के एग्ज़ाम के बाद गेट और EAC के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपने जीवन में आप सीरियस हैं, आपको लगता है यार सर नहीं, गेट एक बार गेट निकालना है, गेट में बढ़िया रैंक होना चाहिए, मैं सर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे डायरेक्शन दीजिए, आप मुझे गाइड कीजिए सर, मेरे मेंटर बन जाइए. तो आपको बस सिंपल सा काम करना है बच्चों, ये जो डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का प्रोफाइल दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, उस पर आप क्लिक कीजिए, क्लिक करके बस जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, और मेरे किसी भी लेक्चर्स को आप देखिए, आपको बहुत बेनिफिट्स होगा. और अनअकैडमी के बहुत सारे फ्री कोर्सेज अब अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे हैं, जहाँ पे आपको मिलता है इंटरेक्टिव लाइव सेशंस, पोल फॉर दी लर्नर्स, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स अवेलेबल आपको हो जाते हैं PDF. जैसे अभी आप क्या करिएगा सर, इसका PDF दीजिए, आपके साथ प्रॉब्लम है, आप बार बार एडुकेटर से मांगते हैं, लेकिन अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे PDF आपको एट द एंड ऑफ द सेशन मिल जाता है. तो ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं, एनी टाइम एनी वेयर आप पढ़ सकते हैं, और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, गेट नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग क्लासेस एंड रिकमेंडेशंस क्यूरेटेड जस्ट फॉर यू, राइट. तो आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लें, और आपको कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. तो थैंक यू बच्चों, बाय, सी यू एवरीवन, सी यू माय डियर लर्नर्स, फिर मिलेंगे हम लोग, राइट. ओके, चलिए, तो लेट्स क्रैक गेट एंड EAC. ग्रोव जी क्या कह रहे हैं सर, एक मशीनिंग टाइम की वीडियो सर 3-5-1, अरे डिफरेंस निकालो ना, देखो उसमें आ जाएगा अपने आप. कार्तिक जी डिफरेंस निकालिए, सीक्वेंस पकड़ा जाएगा. सर प्लीज़ एक मशीनिंग टाइम की न्यूमेरिकल वीडियो बना दीजिए. मशीनिंग टाइम पे तो बहुत न्यूमेरिकल करा चुके हैं यार आप. मेरा अनअकैडमी स्पेशल क्लास सुनिए, अनअकैडमी स्पेशल क्लास या जो लीड गेट टर्निंग का पढ़ा चुके हैं. आप बस एक काम कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मैंने बहुत सारे फ्री कंटेंट टर्निंग का, शेपिंग का, प्लेनिंग का, मेलिंग का, गियर इंडेक्सिंग का, बहुत सारी चीज़ें, ब्रोचिंग, थ्रेड कटिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुकी है, और सब मैंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाया है. तो आप वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, और मैंने लेक्चर्स लिया है अप्रैल के मंथ में. अगर आपको पूरा लिंक एक साथ चाहिए, पूरा लिंक अगर एक साथ चाहिए तो वो लिंक मैंने डाल दिया है लीड गेट टेलीग्राम चैनल पे, और मैंने लिंक डाल दिया अयाज सर अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे। तो दोनों पे आप उसको जाके लिंक आपको मिल जाएगा पूरा मैन्युफैक्चरिंग एक साथ। तो गेट के बाद अगर जो भी बच्चा मैन्युफैक्चरिंग सीखना चाहता है, देखो ग्लोब ट्रोलर, राइट, ग्लोब ट्रोलर जो है वो तो आपको बच्चों आराम से बता देगा कि मैन्युफैक्चरिंग का लेक्चर उसको कैसा लगा, राइट। मैन्युफैक्चरिंग का लेक्चर उसको बहुत अमेजिंग लगा होगा, ओके, कोई उसको दिक्कत नहीं आई होगी, आई होप कोई दिक्कत आई, बढ़िया लगा ना आपको ग्रोथ टेलर जी, मैन्युफैक्चरिंग बहुत शानदार। चलिए वेरी वेरी गुड कार्तिक जी, थैंक्स सर। कार्तिक जी डिफरेंस निकालिए, समझ में आ जाएगा, ये क्वाइट ईजी है, अपने आप सिक्वेंस आपका पकड़ा जाएगा, प्राइम नंबर है क्या डिफरेंस है समझ जाएंगे आप, उतना आप समझदार हैं, आपको पता चल जाएगा। चलिए बच्चों तो थैंक यू। और मैन्युफैक्चरिंग आंख बंद करके बच्चों, आंख बंद करके मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के लिए आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। आपको मैं कभी आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स मुझसे पढ़ लीजिए, क्यों, मैं जानता हूं कि मैं उस तरह का आपको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स, बिकॉज दैट इज नॉट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बट अगर आप लिटरली में मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं गेट एग्जाम्स के लिए, तो आंख बंद करके अयाज सर अनअकैडमी एंड लीड गेट टेलीग्राम चैनल्स पे लेक्चर्स के लिंक्स अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग के, वहाँ पे आप आइए और वहाँ पे देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे लेक्चर्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यूज़ अयाज 10 कोड फॉर प्लस सब्सक्रिप्शंस। अगर आप अभी तक प्लस पे नहीं हैं, डिटेल्ड कोर्स आपको चाहिए, तो मेरे प्लस पे लेक्चर्स हमेशा आते रहते हैं, आप अयाज 10 कोड यूज करके अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शंस ले लें और मेरा कंप्लीट मेंटरशिप आपको मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो। थैंक यू, बाय, सी यू। और मेरे तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे विशेष, और मैं दुआ करूंगा कि आपका HPCL का एग्जाम्स बहुत अच्छा जाए सारे स्टूडेंट्स का, और आप लोग को जल्द से जल्द अच्छी सी नौकरी या जॉब मिल जाए। तो थैंक यू।